श्री कृष्णा, सिर्फ आधा लीटर दूध में बना है चीकू आइसक्रीम, तो इसके लिए हमें करीब आधा लीटर मैंने दूध लिया है और इसे एक कढ़ाई या पैन में गर्म करने को रख दें। जब ये आधा रह जाए तो इसमें करीब एक कप मैंने मावा डाला है, तो मावा डाल के इसे और गर्म करें। आप देख रहे हैं मावा पिघल के एक ही हमारी रबड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें स्वाद अनुसार आप चीनी डालें, मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि मेरा मावा थोड़ा मीठा था, इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। अब ये रबड़ी तैयार है, इसे बंद करें। अब एक इसे ठंडा करने को रख दें। अब एक बॉल में आधा कप मलाई लें और उसे बीटर से बीट करें। जब ये बीट हो जाए तो इसमें 1 बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर का डाल दें। अब ब्राउन शुगर को मिलाकर अब हमारी जो रबड़ी बनी हुई है वो ठंडी हो गई है, वो इसमें मिक्स करें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 चीकू को अब आप 2 मीठे चीकू को काटें छोटे छोटे पीसेस में और उन्हें इसमें डाल के रबड़ी में और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे एक एयर टाइट डिब्बे में या जो आइसक्रीम जमाने का एक डिब्बा आता है उसमें या आइसक्रीम जो कोन आते हैं उसमें, जिसमें भी आपकी इच्छा हो इसे जमाएं और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें। लीजिए तैयार है हमारी आइसक्रीम। इसके ऊपर ब्राउन शुगर से इसको डेकोरेट करें और आप भी टेस्ट करें, लोगों को भी खिलाएं। इस गर्मियाँ शुरू हो गई है तो इस गर्मी की आइसक्रीम चीकू आइसक्रीम सबको बहुत स्वाद लगेगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। और इसी तरह आप दूसरे फ्लेवर की भी आइसक्रीम्स बना सकते हैं।